काफी अरसे बाद मेरे दोस्त। काबूतो नारुतो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो काबूतो? मेरा रास्ता छोड़ो, इन्हें मैं खुद संभाल लूंगी। लगता है अभी भी ठीक होना बाकी है। अब खेल खत्म हुआ बच्चे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब काबूतो और सुनाडे दादी माँ भिड़ क्यों रहे हैं? अपने सवालों के जवाब के लिए उसके हेडबैंड को गौर से देखो, ये ओरोचिमारु का गुलाम है। क्या एक जासूस? ये तो नामुमकिन है, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत ही जरूरी बात जानी नारुतो, तुम में कोई निंजा एबिलिटी है ही नहीं। आगे बढ़ो और जी भर के मुझे देख लो, तुम अब भी एक पिद्दी से गैनिन हो जिसके बड़े बड़े ख्वाब हैं। ओ अच्छा, नारुतो रुको, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। शैडो क्लोन जुत्सु, तेरी तो पॉइजन नीडल्स। ये तो जाहिर सी बात है कि वो खून की कमी को पूरा करने में लगा हुआ है। इसका मतलब ये एक मेडिकल निंजा है। वक्त आ गया है कि आपके हाथों की पट्टियां निकाली जाएं। तो ये है ओरोचिमारु। चलो आखिरकार जरूरी काम करने का वक्त आ ही गया। ओरोचिमारु को तो मैं संभाल लूंगा। डबल बैटरी को तुम संभाल लेना, ठीक है ना शिज़ुने? और मैं संभालूंगा ओरोचिमारु को। उस नशे को आपके शरीर से निकलने में थोड़ा वक्त लग सकता है मास्टर जिराया। क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? हमारा सामना एक सानिन से है, और ऐसा वैसा सानिन नहीं, उससे जिसने थर्ड होकागे को खत्म किया। आज मुकाबला बराबरी का होगा। समनिंग जुत्सु। क्या बोलती पब्लिक? क्या है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? वाह जिराया, बेवकूफी करके थकते नहीं? वैसे बेवकूफ तो तुम हमेशा से ही थे। बस यही देखना बाकी था, वो मेरी कमजोरी जान चुका है। समनिंग जुत्सु। अब क्या गड़बड़ हो गई मुझसे? हेलो एवरीबॉडी। हे गामा तात्सु, तुम इधर कैसे आए? यामाकीची, कैसे हो भाई? बेवकूफ कहीं के, एक काम कर, एक चिप्स का पैकेट लेकर किसी कोने में जाकर खा। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने मुझे समन किया। आखिरकार अपना टाइम आ ही गया। नारुतो! कोई बात नहीं, अर्थ स्टाइल डार्क स्वॉर्म। ये क्या? ये गड्ढा कुछ ज्यादा ही छोटा है। अरे नहीं, दूर रहो, मेरे पास मत आना। हंसान इनका नाम, जिंदगी में मिल जाएगा। मेरा यकीन करो, मुझ में शुरू से ही असली हुनर की परख रही है। ये निकम्मा कभी उचिहा को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जन्म हुआ है शारिंगान के शिनोबी आर्ट के साये में। एक असली निंजा वो होता है जिसके आगे आई हर चुनौती का वो सामना करे। एक शिनोबी की जिंदगी में एक ही चीज है जो जरूरी है, ये वो नहीं कि वो कितने जुत्सु मास्टर कर सकता है, जरूरी है कि उसमें जिगरा हो और वो कभी हार ना माने। बस बहुत हुआ, तुम सारी हदें पार कर चुके हो धोखेबाज।
कोई फायदा नहीं, मैं हिलते हुए टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम्हारी बाई टांग की हड्डी टूट गई। बात क्या है, डर लग रहा है क्या? यहाँ से भागकर छिपना तो नहीं चाहते ना तुम? अब चलो भी, दिक्कत क्या है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? जिराया, ऐसे बच्चे को सिखाने का क्या फायदा जो इसे कभी मास्टर न कर पाए। इसे लगने लगा है कि ये किसी दिन होकागे बन जाएगा। मैं भागने नहीं वाला, यही है मेरा निंडो, मेरा निंजा वे। ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है दादी माँ, मैंने कहा था कि जिद छोड़ दो, अब तुम गए। मैं जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता, चाहे जो हो जाए, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता है। चक्र कंप्रेस करो, रासेंगन। ये कैसे? एक बच्चे ने रासेंगान जैसे जुत्सु को मास्टर कर लिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसने मुझे अंदर से घायल कर दिया है। बहुत भूख लगी है। चुप हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी चूचा निकाल दूं। क्या? हमारी शर्त भूलना नहीं। मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, अब तुम मेरी बात सुनो। इसकी जान बचाकर मैं बचा रही हूँ अपने घर को, विलेज हिडन इन द लीव्स को। जानते हो, किस्मत ने इसकी तकदीर में होकागे बनना लिखा है। अच्छा, अगर तुम एक बेहुदा बच्चे की खातिर अपनी जान दांव पर लगाना चाहती हो, अब बस एक ही काम बाकी है, नारुतो का खात्मा। देखता हूं तुम मुझे कैसे रोकती हो। बड़ी बड़ी बातें, पर देखो खुद को, तुम अंदर तक जख्मी हो चुकी हो। क्या? नहीं, तुमने अपने आप को हील कैसे किया? रिजर्व सील रिलीज। लाडो रोची मारो। समनिंग जुत्सु। गामा टात्सु, चल पत्नी गली से निकल। चल कौन सी गली से? चुप कर और भाग यहाँ से। अपने साथ रुमाल तो लाए हो जिराया, मुझे अभी रोना आ रहा है। अब बस भी करो। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे हमेशा से एक स्नेक स्किन वॉलेट चाहिए था। आ,
जल्दी कत्सुयु। जी माय लेडी। बोंचा चलो ऑयल रिलीज करो। हाँ ठीक है। फायर स्टाइल, डोंट फ्लेम बॉम्ब्स। नहीं, वो भाग गया। ये तो उसकी पूंछ है। सुना दे। ये नहीं हो सकता। रुकूंगी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। भाग कहां रहे हो? तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। क्या ताकत है लाडरो जी, मारो। अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तो तुम मेरे हाथों को ठीक नहीं और मैं लीफ विलेज को तबाह करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। तो ये किसी और की बॉडी इस्तेमाल कर रहा था? जब मैं अपना इलाज ढूंढ लूंगा तब मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि अमर होना क्या होता है। होकागे बनना, यही मेरा सपना है। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। डॉन, क्या यकीन नहीं होता? मैं कुछ देर के लिए सो क्या गया, आपने तो मेरी पीठ पीछे इनको होकागे बना दिया। डॉन, होकागे को एक अच्छा और समझदार इंसान होना चाहिए। पर ये तो लालची हैं और सबको तंग करती हैं। नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है, अकल तो बिल्कुल है ही नहीं इनमें। और ऊपर से ये 50 साल की आंटी हैं जो अपनी उम्र छुपाने के लिए जुत्सु यूज करती हैं। ऐसी आंटी को होकागे बना दिया तो गांव का कबाड़ा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये बहस पहले भी हो चुकी है।